हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमलता माथुर जिया की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो कि सभी घरों में सर्दियों में बनता है और पसंद किया जाता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हम लोगों ने दूध को उबाल लिया है और गाजर को धो के और घिस लिया है साफ करके, और इसमें हम लोग इस उबाली आ जाएगी तो हम लोग इसमें डालते जाएंगे। और गाजर और दूध का रेशियो हम लोगों ने बराबर लिया है, यानी कि अगर 1 किलो गाजर घिसी है तो 1 किलो दूध लेंगे। गाजर और दूध को हम लोग एक साथ उबालेंगे और जब तक इसको पकाएंगे, जब तक कि ये रिड्यूस नहीं हो जाए और 90% तक रिड्यूस नहीं हो जाए, तब तक दूध के संग गाजर को पकाने के एक ये फायदा है कि ये अंदर तक भी दूध और गाजर पक जाती है तो इसका स्वाद बढ़ जाता है और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। दूध के संग गाजर पक रही है उतनी देर में हम लोग दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं, जो कि हलवे में डाली जाएगी। जैसे कि हम लोग इसमें जो ड्राई फ्रूट डालते हैं उनको धीमी आंच पे तल लेते हैं। तो कढ़ाई में हम लोगों ने घी गरम कर लिया है और इसमें हम लोग पहले ये थोड़े काजू तल लेते हैं मिडिल आंच में ही, हल्के हल्के इसमें ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, और इनको हम लोग तल लेते हैं। इसी में थोड़ी सी हम लोग किशमिश भी तल लेते हैं, इससे क्या होता है कि इसका स्वाद भी बढ़ता है और अगर ज़्यादा दिन हलवा रह जाए तो किशमिश ख़राब भी नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं तलनी है, थोड़ी सी बस ये फूलने लगे तो हम लोग इनको निकाल लेंगे। अब ये किशमिश तल गई है तो हम गैस बंद कर देते हैं और इनको भी हम निकाल लेते हैं। गाजर में अब दूध बिल्कुल सूख गया है और ये बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब इस समय हम लोग इसमें थोड़ा शक्कर ऐड करेंगे। वैसे शक्कर अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, लेकिन क्योंकि गाजर भी मीठी होती है और दूध से भी थोड़ा स्वाद मीठा हो जाता है तो हम हिसाब से ही डालेंगे। और इसी को हम लोग थोड़ा सा इस समय घी भी डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा घी भी डालेंगे इसमें। चीनी अब इस गाजर और दूध में मेल्ट हो रही है, इसी समय हम लोग ये किशमिश भी इसी में डाल देंगे, जिससे कि वो भी अंदर तक पूरी गीली हो जाएगी, पक जाएगी, सूखी सूखी नहीं रहेगी। और काजू हम बाद में डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब तक ये पानी वापस नहीं सूख जाएगा तब तक हम लोग इसको हलवे को पकाएंगे। धीरे भी आज कर सकते हैं बीच में। इस तरह से हम लोगों का ये हलवा बनने को तैयार है। और इस जब ये थोड़ा शक्कर इसकी पूरी तरह से घुल जाएगी तब हम लोग इसमें इलायची पाउडर भी डालेंगे। अभी पहले ये चीनी इसको मिक्स हो रही है, पानी छोड़ रही है। बहुत ज़्यादा हमको इसको हलवे को नहीं सुखाना है, क्योंकि ये ठंडा होने पे भी थोड़ा गाढ़ वो हो जाएगा, सूखेगा, और फिर हम जब खाएंगे तब भी गर्म करते हैं तो फिर बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसकी चीनी जब तक अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इसको पकाएंगे। और इसी समय हम लोग इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल देंगे, जिससे कि इसका स्वाद भी और बढ़ जाएगा।
से बहुत ही बनाने में सरल है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये, और बहुत ही गुणकारी भी है। सर्दियों में जितनी गाजर खाओ उतनी ही फायदा करती है। तो इसका एक ये बहुत ही अच्छा रूप है कि हलवा स्वीट डिश का भी काम करता है और स्वाद भी बढ़ाता है। ये देखिए चीनी भी इसमें मेल्ट हो गई है और ये अच्छी तरह से बन गया है और बहुत ही सुंदर कलर आया है। अब इसमें ये सब बनने के बाद हम लोग इसमें ये काजू ऊपर से डाल देते हैं और जिससे कि इसका स्वाद भी और बढ़ जाएगा और खाने में भी देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा ये हलवा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये गाजर का हलवा बनाया है। तो आप भी बनाइए और खाइए और खिलाइए। थैंक यू।